एग्जीबिशन माई आर्ट माई पैशन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर से आए चित्रकारों ने अपनी चित्रकारी का जबरदस्त नमूना पेश किया। साथ ही कंपटीशन में हिस्सा लेने वाले प्रतियोगी चित्रकारों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत के युवाओं में प्रतिभा की कमी नहीं है। भारत का युवा हर क्षेत्र में अपनी कला का नमूना दिखा ही देता है। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दिल्ली में ऑल इंडिया पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के अधिकतर राज्यों के हस्तकलाकारों ने हिस्सा लिया। पेंटिंग ऐसी कि सबको मंत्रमुग्ध कर दे, हर तस्वीर खामोश रहते हुए भी काफी कुछ कह रही थी। इंडिया से अलग स्टेट से पार्टिसिपेंट थे वो पार्टिसिपेट करते हैं। इस साल हमने जो कंपटीशन करवाया वो था माई आर्ट माई पैशन, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से करीब 1000 एंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, और इनमें से हमने टॉप 20 को नॉमिनेट किया प्राइजेस के लिए। और आज यहाँ हम एक आर्ट एंड आर्ट नाम से एग्जीबिशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये हमारा फोर्थ शो है और इसके अंदर करीब 40 आर्टिस्ट ने पार्टिसिपेट किया है, और इनमें हमने टॉप 20 जो उसमें कॉम्पिटिशन में थे उनको भी लिया, और अदर जो आर्टिस्ट हैं उनको भी पार्टिसिपेट में लिया। और इसमें हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज रखे हैं, जिसमें फर्स्ट प्राइज 21,000, सेकंड 11,000 एंड थर्ड प्राइज 5,100 का रखा है। इसके कॉन्सोलेशन प्राइजेस वगैरह होते थे। वहीं इस मौके पर क्रिएटिव डायरेक्टर भी मौजूद रहे। अपनी कला को रुपहले पर्दे पर उतारने के साथ साथ इन्हें पेंटिंग का भी शौक है। मैं आई एम ए फिल्म मेकर बेसिकली। आई जस्ट गॉट 6 इंटरनेशनल अवार्ड्स इन माय फिल्म, और मैं पीटीसी के क्रिएटिव देखता हूँ सारा, पीटीसी चैनल के। जी, बिल्कुल कहती है क्योंकि मैं खुद एक पेंटर हूँ, मैंने भी फाइन आर्ट्स किया हुआ है, तो पेंटिंग करता था कभी। और पेंटिंग एक वो है जो आपका एक्सप्रेशन है उसको कैनवस में उतारते हैं। ये मीडियम है एक एक्सप्रेशन को, आपका थॉट को एक्सप्रेस करने का। और फिल्म दूसरा कैनवस है जो हम फिलहाल कर रहे हैं, ये एक दूसरा कैनवस है। तो इस कैनवस को देखने के लिए मैं आ गया आज, और बहुत अच्छा लगा। अलग अलग जगहों से अलग अलग किस्म के पेंटिंग देखने को मिला। अक्सर क्या होता है कि हम कहीं त्रिवेणी कला संगम या कहीं जाते हैं तो किसी एक किस्म की पेंटिंग्स देख, या तो किसी एक आर्टिस्ट या दो आर्टिस्ट के एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स होते हैं यहाँ, लेकिन ये चीज़ नहीं है। ये अच्छा लगा कि अलग अलग जगहों से अलग अलग थॉट के अलग अलग पेंटिंग्स देखने को मिला। दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ दिस, दैट इज़ द यूनिकनेस ऑफ दिस एग्जीबिशन। विभिन्न तरह की पेंटिंग का नजारा आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। हर किसी प्रतियोगी ने अपना बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश की। किसी ने ऑयल पेंटिंग, किसी ने बॉल पेंटिंग, तो किसी ने हूबहू चेहरे को अपनी कला से तस्वीरों में उतारा। क्राइम सीन, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, सूखा जैसे अन्य कई टाइटल के साथ पेंटिंग तैयार की गयी। इस दौरान पेंटिंग में स्थान प्राप्त करने वाले व हिस्सा लेने वाले कलाकारों का कहना था कि अवार्ड पाकर काफी खुशी हो रही है। एक्चुअली है ना, मुझे पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं ऑल टाइम पेंटिंग्स करती हूँ। अभी मैं फाइनल ईयर में हूँ पेंटिंग्स के लिए, और कंपटीशन का एग्जीबिशन का देखा था मैंने ऑनलाइन, देन पार्टिसिपेट करा था, सिलेक्ट हो गई। मेरी 3 पेंटिंग्स है। 1 पेंटिंग इज वुमेन इन नेचर, यानी उस पेंटिंग में मैंने दिखाया है कि एक वुमेन जो है एक वाइफ बन के एक बेटी बन के एक माँ बन के कैसे अपने आप को हर सिचुएशन में ढालती है और हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करती है और अपना अस्तित्व नहीं खोने देती है। बिना कुछ लिखे, बिना कुछ कहे, जो सब कुछ खामोश रहकर भी व्यक्त कर दे वो है तस्वीरें। चित्रों के माध्यम से अपने भावों को व्यक्त करना ही पेंटिंग है, और एग्जीबिशन में लगाई गई प्रदर्शनी वाकई ही काबिले तारीफ थी।